हम एक दो तो दिन अगर यहाँ रुक जाए तो, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। क्यों? हम किराया भी दे देंगे, अगर हम अभी घर जाएंगे तो हमें बहुत मार पड़ेगी। क्यों, क्या किया तुमने? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, क्यों मार पड़ेगी? नहीं, एक्चुअली अंकल जी, हम तो कहते हैं तुम थोड़े टाइम के लिए यहीं रुक जाओ। और क्या बोलेंगे इन लोगों को हम? कुछ भी बोल देना यार। याद नहीं है तुम हमसे हॉस्टल मिलने आती थी तो कैसे कैसे बहाने बनाया करती थी? हम एग्जाम में फेल हो गए, हॉस्टल से भी निकाल दिया गया है। आंटी जी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता चल गया तो हमारी जान ले लेंगे। तो कुसुम, इस लड़की को अभी अभी घर से निकाल दो। जिसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, माँ बाप के पैसे जबरदस्ती बर्बाद किए, उसके लिए हमारे पास कोई सिंपति नहीं है। अच्छा है कि बाप सख्त है, जब वो तुम्हें सख्त सजा देंगे तभी तुम्हें अकल आएगी। आप तो रहने दीजिए मास्टर जी, आप नहीं समझेंगे। अरे बच्चों का मन कोमल होता है, इस तरह से डांटना फटकारना गुस्सा होना मार पिटाई अच्छी बात नहीं है। अरे लड़की, ये क्या बात हुई? एक बार इम्तिहान में तू फेल हो गई तो आत्महत्या करने चली, गलत बात है। बेटा, जिंदगी में बहुत मुश्किलें होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। हाँ, यूनी की मतलब कुछ हुआ नहीं तो आत्महत्या करने चले, समझी? और सुन बेटा, दो चार दिन रहना चाहती हो ना तो क्या परेशानी है, रह लो, लेकिन इसके बाद मन कड़ा करो और अपने माँ बाप के पास जाओ, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगो और कहो कि आज के बाद तुम खूब मन से पढ़ोगी और ये आत्महत्या वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचोगी, ठीक है ना बेटा? थैंक यू आंटी जी। अम्मा भी ना, क्या जरूरत थी उस लड़की को घर पे रखने की? बैठे बैठे मुसीबत तो बोल ले ली। कैसी रो रही थी कल, ये भोली लग रही थी, हमारा मन नहीं माना कि उसे जाने दे। माना, बस अपने मन की करना, दूसरे के मत की बात सुनना। पति बकता है तो बकने दो, परवाह किसको है? पति की क्यों ही बात को काट दो, कर दो उसकी बेइज्जती। सारी दुनिया के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी तुमने। अरे अपने घर में ही नहीं चलती हमारी, और कहां चलेगी? चलती घर में? अरे हमेशा आप ही की तो चलती है पंडित जी। अब बताइए, कभी हमने ऐसा हुआ कि हमने आपकी बात नहीं मानी? वैसे एक बार हमने अपनी मन की कर ली तो आप इतना भड़क रहे क्यों? किसी को हम नहीं रोक सकते, हमारे घर में आपका घर है, हमारा कोई हक नहीं। सारे हक हैं तुम्हें, जो मर्जी आए करो, हमारी मत सुनो, बाद में हमें मत कहना। हाँ, आज उस लड़की पे बड़ी ममता आ गई। अरे ऐसे बच्चों को लाड़ की नहीं बेंत की जरूरत होती है, पता है? आपने तो हमेशा बेंत का सहारा ही लिया है, हमारे बच्चों के साथ भी तो ऐसे ही बर्ताव किया आपने, देखी क्या हुआ? बच्चे बच्चे आते नहीं है घर पे, कतरा जाते हैं, बहाने बनाते हैं लाख, और ये सब किस लिए हुआ? आपके स्वभाव की वजह से पंडित जी। हमने देखी इस उम्र में बच्चों की शक्ल देखने को तरस जाते। बस हो गई शुरू? जरा सा कुछ कहा नहीं कि तुम्हारे टसुए बहने शुरू हो गए गंगा जमुना की तरह। बढ़िया बढ़िया पंडित जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना। चोर हम ही तो है चोर, सारे फसाद की जड़ हम ही है। न बच्चों को समझ में आते हैं, न दोस्तों को समझ में आते हैं, न तुम्हें समझ में आते हैं, सबके सब कतरा के निकल जाते हैं हमें।
तुम्हारी तो जिंदगी पर ग्रहण बन के बैठ गए हैं हम। कह दो, कहती क्यों नहीं? कैसी पत्नी मिली है हमें, हमेशा हमारी कमी निकालती है। पता नहीं किस घड़ी में शादी हुई थी तुमसे, जिंदगी चौपट हो गई हमारी। आपकी जिंदगी? जीवन तो हमारा सर्वनाश हुआ है आपके साथ बंद। अच्छा, तुम्हें छोड़ क्यों नहीं देती हमें? कम से कम हमारा तो पिंड छूटेगा। संत ज्ञानी सही कहते हैं, गृहस्थी के चक्कर में पड़ोगे तो ये सब भुगतना पड़ेगा। क्या बताएं राधे श्याम भैया, मुश्किल की तो बात ही है ना। एगो गोरखपुर से लड़की भाग के बनारस आ गई, अब आप ही बताएं हम क्या कर सकते हैं। पोस्टर छपाई दीजिएगा, 500 रुपल्ली का इनाम लिखाई दीजिएगा। क्या है ना, लड़की का मामला है, माँ बाप को बदनामी से डर लगता है, और पुलिस वालों को ना एक एक कागज पकड़ा दिए ये तस्वीर के साथ। ये देखो, आप भी एगो रख लीजिए, अगर कहीं दिखे ना तो चुपचाप हमें बता दीजिएगा, शोर मत मचाइएगा। चलते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम। हाँ हाल बा, बहुत बनठन के निकले हैं आज। फालतू की बात मत करो, हमारा मूड वैसे ही बहुत खराब है। एक चाय बनाओ अच्छी सी, चीनी कम। जग्गू, तुम आज हमारे बिना चाय पी रहे? फिर लड़ लिए किसी से? कहीं भाभी जी से तो नहीं लड़ लिए? पंडित जी ना प्राण पिए रहते हमारे, एक दिन नहीं निकलता जब उनके मुंह से कड़वे बोल ना निकले। जी फूंक देते हैं हमारा। अब स्वभाव ऐसा है तो क्या कीजिएगा पंडित भाई। सही बात है, हम तो कहते हैं भाई ध्यान व्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, पर पूजा पाठ में ध्यान तो तब लगेगा जब महाराज के ठौर ठहरे। उनकी अम्मा सही कहती थी, गंगा जी के मौज है इनके पैरों में, अभी टिकते नहीं पैरन के, पूरे बनारस घूमते रहते इधर से उधर, इस घाट से उस घाट, चिक 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 चिक, और सबके साथ झगड़ा टंटा लड़ाई। रात को जो टंटा हुआ ना उसी से उखड़े पड़े हैं। ऐसे मत देखो, हमने कुछ नहीं किया। गुंडे घुस आए थे कजाक को घर पे, एक तरीका है, कोई कभी भी किसी की भी घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई कभी भी किसी के भी घर का रात को दरवाजा पीटने लग जाता है। एक कानून बनवाओ, कोई किसी के घर के सामने पार्किंग नहीं कर सकता, और कोई नहीं मानता तो उसे जेल भिजवा दो, बल्कि जेल क्या, हम तो कहते हैं उसे फांसी चढ़वा दो उसे। अच्छा लो चाय लो। अरे सुनो बच्चों, इधर आओ, अपनी अपनी कॉपियां दिखाओ। बेटा तुम्हारी लिखाई तो बहुत खराब है, तुम दिखाओ। बेटा जब तक मेहनत नहीं करोगे, लिखाई साफ नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा, तुम दिखाओ। तुम्हारी लिखाई थोड़ी ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मीठू रस्तोगी। रस्तोगी। तुम इधर बैठो, जरा इधर बैठो, और एक अर्जी लिखो। नहीं यहाँ बैठो। हाँ लिखो बेटा। कॉपी से पन्ने फाड़ना मना है, टीचर डांटती है। दादे श्याम देखो, कोई रफ पेपर है तुम्हारे पास? अरे चाय की दुकान पर कागज पत्तर कहाँ से मिलेगा पंडित जी, खाली पन्ना कोई भी देखो। अच्छा देखते हैं कुछ। हमको सिर्फ रफ लिखवानी है अर्जी, उसके बाद टाइप करवा लेंगे हम। देखो इससे काम चल जाएगा। आ,
लो इस पे लिखो, लिखो सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी पुलिस कार्यालय जनपद वाराणसी। महोदय नीचे लिखो अगली लाइन में और साफ साफ लिखना बिल्कुल, महोदय कल रात हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडे घुस आए थे और बहुत उत्पात मचाया। सम्माननीय पूर्व वरिष्ठ अभियंता श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर पर आकर रात में दरवाजा पीटा। बोल दरवाजा। और उनके घर के अंदर क्या है प्रॉब्लम? कहाँ चुपा रखा अपने बेटे को? अरे भाई कौन हो? बाबू कहाँ है? कौन बाबू? त्रिपाठी हो ना तुम? त्रिपाठी? आप अपने किसी आला अफसर को भेजकर तफ्तीश कराएं और दोषियों को सजा दिलवाएं। अरे बाबू त्रिपाठी को ढूंढ रहे हैं बस। कितनी बार कहें, किसी बाबू बाबू को नहीं देखा हमने। सनद रहे कि एक दिन के अंदर अंदर यदि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस निवेदन की एक कॉपी पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी भेज दी जाएगी। अरे राम राम पंडित जी, ये क्या लिखवा रहे हो? कुछ मुलायम सी भाषा में लिखो ना। तो अब तुम हमें सिखाओगे कि सरकारी अर्जी कैसे लिखी जाती है? वीरेन इन्हें बताओ कि 40 बरस तक हम सरकारी अफसर रह चुके हैं और हर रोज कम से कम 8 या 10 अर्जी लिखते थे। राधेश्याम लिखते थे जब अफसर थे, अब रिटायर्ड हो गए, अब एक आम नागरिक है। बताओ क्या लिखा है तुमने? ये क्या लिखा है बेटा? एक लाइन सीधी नहीं है हा? और ये सब मात्राएं गलत है। अच्छा ठीक है, हम खुद कर लेंगे, जाओ तुम लोग। कहां जाने लगे? आज सुबह तुम्हारी भाभी से कुछ ज्यादा ही कहा सुनी हो गई है। अब क्या बताएं, तुम तो जानते हो जब मैं गुस्सा आता है तो जबान पर काबू नहीं रहता। सुबह से मुंह बनाए बैठी है। ये हम है क्यों निभा रहे हैं बेबी? सच्ची कोई और होती ना तो बैठी रहती कहीं मायके में अपने। झूठ ना बोलो पंडित आए, कितना भी झगड़ा हो जाए प्रेम नहीं मिटता तो गौरी शंकर की जोड़ी का ना। तभी तो ये मोटा मोटा सिंदूर, ये बड़ी बड़ी बिछिया, पैरों में आलता, माथे पे इतनी बड़ी बिंदी, इस उम्र में भी सुहागनों के सारे परपंच लिए बैठी रहती हो। ये परपंच इनकी अम्मा जी के फैलाए हुए हैं बेबी। याद है इनकी हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि अब गई तो तब गई। और ये सब कितनी बिनती चिरौरी कर रहे थे कि प्रभु का नाम लो, परलोक से धारो पर ना। उनका मुंह अटका था अपने लल्ला पे। अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा जगन, मेरा जगनवा। मुंह छूट ही नहीं रहा था, फिर अचानक से हमारा हाथ थामा और बोली कि बहू हम अपने लल्ला को, अपने जगन को तुम्हें सौंप के जा रहे, इससे ध्यान मत हटाना। खूब कसम दिलवाई। हाँ फिर जाके मुंह में गंगा जल लिया। तभी से इनके अम्मा के वचन में बंध गए हैं हम, सुहाग श्रृंगार नहीं छोड़ पा रहे इस डर से अभी अगर इनको कुछ हो आ जाए तो अम्मा जी पर लोग से खूब डांटेंगी हमको। पता बीबी कितनी अजीब बात है, अब तक हम अपनी सास से कितना डरते हैं। हम भी तो डरते हैं सास से। सास से कौन नहीं डरता पंडित आई? ये तो है, हम नहीं डरते तुम्हारी मम्मी से। हम तो कल तुम्हारे घर भी हो आए थे। अरे इसीलिए तो मम्मी लाल पीली हुई बैठी है हमसे। यार तुम हद करते हो यार बाबू, तुम अपने माँ बाप को मना नहीं सकते क्या? नहीं तुम मना पाई? बाबू हमारी बात अलग है, तुम लड़की है लेकिन तुम तो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो ना, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे वो। लल्ला ये लो लल्ला। अरे माँ थैंक यू। देखो लल्ला हम बताए दे रहे हैं, सुधर जाओ तुम, तुम्हारे पापा बहुत नाराज है तुमसे। उनको पता चल गया है कि तुम अपनी बाइक कहीं खो के आ गए हो। मम्मी तुम इधर आओ ना, बैठो ना। क्या हमारी गलती नहीं है, तुम समझाओ ना उनको। अरे तुम तो जानती हो बनारस में कितने चोर चक्के मां घूमते रहते हैं,
जितना कर सकते थे ना बहुत कर लिए, अब और नहीं बस। और वैसे भी हमें सब पता है, तुम्हारे सारे कांड के बारे में हमको पता है। और वो लड़की, वो जो कल घर आई थी, तुम्हारे पापा को पता चला ना तो फिर तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं। मम्मी मैं देखो लल्ला, हम बताए दे रहे हैं, ये लड़की बाजी का चक्कर छोड़ दो। मम्मी हम प्यार करते हैं उससे। एक मारेंगे, ये प्यार व्यार का पाठ हमें ना पढ़ाओ लल्ला। और कान खोल के सुन लो तुम, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, वो भी हमारे कास्ट में। अरे पापा तुम्हारे फुल बिजनेसमैन हैं, इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किए तुमको, इतना खर्च किए तुम पे, रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। वो लड़की हमें दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। मम्मी और ये कपड़े हर जगह बिखेरना छोड़ो तुम, समझे ना, जब देखो बिखेर के रखता है। सुन लिया? हाँ सुन लिया। हम नहीं जानते बाबू कुछ भी, घर वाले ना माने तो ना सही, हमने भी हिम्मत दिखाई ना। हम भागे ना तुम्हारे लिए, अब तुम भी हिम्मत दिखाओ। तुम आज के आज हमसे आर्य समाज मंदिर में फेरे डालो, वरना हम नहीं जानते हम क्या करेंगे। अरे यार पूर्वी सिंह एक दिन में कैसे शादी कर ले यार, यार तुम कुछ समझती हो नहीं यार। हम नहीं जानते। हेलो आत्महत्या पाप है, इसका क्या करें हम? मास्टर जी कहे हैं तुम्हें देने के लिए। हम आत्महत्या क्यों करेंगे भला? आज जो झगड़ा हुआ था सुबह सुबह भूल गई का पंडिताइन? पंडित जी डर गए कि कहीं तुम कुछ कर कराना लो। काशी अपने मास्टर जी से कह दे कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे, जब भोले शंकर का बुलावा आएगा ना तभी पिंड छूटेगा इनका हमसे। हमें पता है मरते दम तक झेलना पड़ेगा तुम्हारी अम्मा को। काशी इनसे कह दो ये किताब इनके लिए नहीं है, बल्कि हम उस लड़की के लिए लाए हैं, वो जो आत्महत्या करने वाली थी। गंगा मैया की कसम, पूर्वी दीदी आत्महत्या कर रही थी काहे? अब ये बात पूरे मोहल्ले में जाके गा मत देना, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की तरह। देखो पंडित टाइम तुम्हारा लल्ला हमसे का कह रहा है। अरे ये तुम ना पीछे पड़ जाती हो काशी, खाम खा तू जा, देख देख चौकाई में जाके देख सब्जी है कि जाओ जाओ सब्जी देखो। अब हमसे सीधे बात नहीं कर सकते, उनको बीच में रखेंगे क्या बात करने के लिए? क्यों, इन्हें तो हमारा बोलना भी खटकता है, जीवन जो सर्वनाश कर रखा है हमने इनका। क्यों कहा नहीं था हमने सुबह सुबह? हाँ सुबह सुबह हम ही ने तो कहा था, आपने तो कुछ कहा नहीं था। आप तो कभी कुछ नहीं कहते, हमेशा हम ही कहते, सारा कसूर तो हमारा ही है। सारी जिंदगी इनकी सेवा की है हमने, उसके बदले में हमने कुछ भी नहीं हम मांगे, कभी नहीं। सारी इनकी जाति हमसे आए, बाल सफेद कर लिए हमने, नाती पोती शादी की उम्र के हो गए, पर किसी के सामने भी कभी भी झिटक देते, गुस्सा कर देते, कभी भी कुछ भी बोल देते। कह दो इन्हें अगर इनके अम्मा का वचन नहीं होता ना तो अमेरिका कब के बस जाते, आलोक के साथ रोज बुलाता है अम्मा आ जाओ अम्मा। अरे तो चली जाओ ना, रुकी काहे हो? जाएंगे जाएंगे, आज के आज चली जाओ। चले जाएंगे, देखा कैसे बोल रहे थे, सुनो कैसे बोल रहे हैं। बस करो ना अम्मा, तुम तो जानती हो ना मास्टर जी को, उससे मैं कह देते हैं बस। मास्टर जी आप भी ना ऐसे झिड़कता है कोई, बहुत ही बुरी आदत है आपकी। अरे अब देखो देखो पानी भरा है ना अम्मा की आंखों में। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं नहीं अम्मा, काशी है अम्मा, एक और बात है अम्मा, मास्टर जी ना लाए हैं तुम्हारे लिए। ये उनसे हम क्या करेंगे? ओ, इन्हें तो कोई परवाह है नहीं हमारी, और देखती भी नहीं है कि हमारे सारे स्वेटर बेबी ने धो धो के छोटे कर डाले हैं, और
हमारे लिए स्वेटर बुन दे, बहुत ठंड लगती है हमें। काशी, अपने मास्टर जी से कह दो हमारी उम्र हो गई, फंदे ठीक से नहीं डलते, फिर उल्टा सीधा कुछ बुन दिया तो फिर और बवाल काट। अब जैसा भी बनेगा पहन लेंगे हम। इतने सालों में आदत हो गई है, अब हमें इनकी छूटेगी थोड़ी है। और आलोक के यहां तो तब जाएंगे ना जब हम इन्हें जाने देंगे। अम्मा को दिया हुआ वचन नहीं याद दिला देंगे। कुछ भी कहो अम्मा, कितना भी लड़ झगड़ ले मास्टर जी, पर आज तक प्यार बहुत करते हैं तुमसे। नहीं सकते तुम्हारे बिना, नहीं रह सकते हमारी अम्मा। हाँ हाँ पुजारी जी, आज ही की आज शादी करानी है, शाम हो जाएगी तो क्या हो गया, शादियाँ तो रात को ही होती है ना। आप बस ये बताइए लाना क्या है और फीस कितनी लगेगी। हाँ एक सेकेंड। हाँ 17,000, आपने तो बहुत। अंकल जी दो च्युइंगम देना प्लीज। क्या हुआ, हो गया अरेंजमेंट? हाँ देख लो तुम्हारे लिए कितना खतरा उठाना पड़ रहा है मुझे। अरे अपने कजिन की ना फ्रेंड से हेल्प लेनी पड़ी, अगर हमारे घर में पता चल गया ना हमने तुम्हारे लिए आर्य समाज मंदिर में शादी की अरेंजमेंट कराई है और तुम्हारे घर में बिना बताए। हमारे घर वाले ना हमारी क्लास ले लेंगे, तुम्हें नहीं पता यार। जाने मन, तुम पूर्वी सिंह के साथ होके इतना डरती क्यों हो? हाँ। हमसे सीखो, हमने तो पूरी दुनिया से बगावत करी अपने प्यार के लिए। तुमने तो अपने प्यार के लिए जो किया सो किया, हम तुम्हारे प्यार के लिए अपनी जान जो जोखिम में डाल रहे हैं वो। पर अब तो कुछ ही घंटों की बात है ना, उसके बाद बाबू हमारा, हम बाबू के, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। हाँ बस एक ही प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? इस बार तुम्हारा बाबू हिम्मत जुटा पाएगा या तुम वरमाला लिए खड़ी रह जाओगे और वो फिर से गच्चा दे जाएगा। चलो इस बार हम उसे गच्चा देने का मौका भी नहीं देंगे, तुम चलो हमारे साथ। कहाँ बताते हैं, चलो तो। अरे 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 कहाँ कहाँ चली बिटिया, क्या हुआ? अरे चंदम के पैसे तो देके जाओ। ओ सॉरी, क्या हुआ अंकल जी, लड़की नहीं देखी आपने क्या पहले कभी? बीते फाड़ फाड़ के क्या घूर रहे हो हमें? ये लो। एगो गोरखपुर से लड़की भाग के बनारस आ गई, कहीं दिखे ना हमें बता दीजिएगा। अरे अरे ये तो वही लड़की है भाई।